हेलो दोस्तों, आज फिर एक नया वीडियो के साथ मैं आपके दयार में हाजिर हूँ। मैं आपको आज तीन चीज़ दिखाऊंगा जो दाता बाबा मजार शरीफ की फेमस प्लेस है। अब हम जो आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है दाता बाबा के पीर पुकुर। पीर पुकुर थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे, ये दूसरा जो पुकुर है यहाँ का वो हम देख रहे हैं। ये है एंटरिंग पॉइंट और अब हम जो देख रहे हैं पीर पुकुर जाने के रास्ते में हम, यहाँ में हम देख रहे, यहाँ हम देख रही है बहुत सुंदर सा एक सीन। बच्चे लगभग की खेल के लिए ये सब डेकोरेट किया गया है जो मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। यहां पर अब हम आ चुके हैं दाता बाबा की पीर पुकुर। ये है पीर पुकुर जो लेफ्ट साइड में है। ये एक बहुत रिलीजियस पॉइंट है और इसका ये जो पुकुर है इसे पीर पुकुर कहे जाते हैं। ये है पीर पुकुर। यहाँ पर दाता बाबा की बहुत सारी चीज यहाँ में दफन किया गया है। अब हम चले आए हैं दूसरे प्लेस पर जो दादा बाबा की रिलेटेड खास लोग हैं। इसको चाँदपुर कहते हैं। यहाँ पर दादा बाबा की करीब दोस्त जिसको मौलाना साहब कहता है वहाँ का मजार शरीफ है और मौलाना साहब की वाइफ और उनके साली का ये मजार है। ये दाता बाबा की फ्रेंड मौलाना साहब की मजार है और इसके बगल में लेफ्ट साइड में जो है ये उनका वाइफ और सिस्टर इन लॉ की मजार शरीफ है। अब हम चले जाएंगे, ये है दाता बाबा की जमजम कुप कहे जाते हैं इसको। यहाँ का दाता बाबा की रिलेटेड एक घटना है। यहाँ पर दाता बाबा एक रोज़ बैठे थे और उनके वो और दाता बाबा मिसवाक कर रहे थे। वजू करने के लिए इसका उस वक्त पानी नहीं थी। दाता बाबा ने अपने मिसवाक से यहाँ पर मट्टी को प्रेस किया और यहाँ पर पानी का फुहारा निकला और जो अब हम देख रहे हैं इसको झरना कहती है। और ये है जमजम कूप, इसका अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ में जो पानी निकलता है वो अंदर से आता है। यहाँ पर की जो वाटर है वो बहुत वैल्यूएबल वाटर है। इसको जमजम कूप कहा जाते हैं। ये थे हमारे
आज के वीडियो की तीन चीज, दो दाता शरीफ जो दाता बाबा की मजार शरीफ के रिलेटेड है, और यहाँ में आने वाला हर शख्स वो तीन चीज उस जगह जाते हैं और जाना भी ज़रूर है। फिर हम मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ, तब तक आप सुरक्षित रहे, सतर्क रहिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। खुदा हाफिज़।